अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मेरे मज़ीद कुछ पार्सल आ चुके हैं और मैं अब इनको करने लगी हूँ अनबॉक्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये वाला ओपन करेंगे जो कि सबसे बड़ा है। और अच्छा, ये ना यहाँ से ओपन है क्योंकि मैंने पहले ही खोल लिया था। ये है, ये जो 600 की डील होती है ना, 600 की आपने लेनी है, 1800 की मिलेंगी। डिस्काउंट होता है, एक हिसाब से सेल लगी होती है। तो वो दराज पे आपने देखी होगी डील, N3 वाली, तो ये वो वाली डील है। ठीक है, तो इसमें आता है सबसे पहले ये वाला पर्स। ठीक है, ये है जिसकी स्ट्रिप। ये अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, जैसे मैंने देखा था ना वैसा ही है, लेकिन मामा को इतना कुछ खास नहीं लगा। मामा कह रहे थे वो जो मस्जिद वाली टोपियाँ होती हैं ना, आप लोगों ने देखी होंगी, वो जो पैरेट कलर की होती हैं, मामा कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे दो टोपियाँ आपस में जोड़ दी हुई हैं, दरमियान में जिप लगा दी है। तो काफ़ी मजाक उड़ा था उसने इस पर्स का, लेकिन मुझे वैसे अच्छा लगा। और इसका एक और डिसएडवांटेज है कि ये ना, इसके अंदर मेरा फ़ोन पूरा नहीं आया। जो पहले मेरे पास iPhone 10 था ना, वो तो इसके अंदर पूरा आ गया, लेकिन उसके बाद जो मैंने फ़ोन लिया है ना, जो कि टेक्नो का था, वो इसके अंदर पूरा नहीं आया। तो इस हिसाब से आप देख के लीजिएगा, मैंने बिल्कुल ऑनेस्ट आपको रिव्यू दे दी है। ठीक है, इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको ना साइज़ करके दिखा देती हूँ। अच्छा, तो मेरे पास ये वाला स्केल अवेलेबल था फ़िलहाल, पुराने ज़माने वाला, तो इससे करते हैं। ये बनता है 6 इंच। ठीक है, पूरे 6 इंच का ये पर्स है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने फ़ोन के हिसाब से। अब नेक्स्ट है जी इसके अंदर ये। अच्छा, और ये है मतलब इसके अंदर पानी डालेंगे तो ये वो जो कहते हैं टकोर करने के लिए गर्मियों में। मैंने विंटर्स में मंगवाया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, पता नहीं मुझे प्राइस नहीं याद, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हज़ारों में थी इसकी प्राइस। तो ये जो N3 थी ना, उसके अंदर ये मिल रहा था 600 का। ठीक है, तो इसकी पकड़ने से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। अब इसको करते हैं ओपन। चलिए, ये है जी इसकी क्वालिटी। ये है सिलिकॉन का बना हुआ है और ये देखें बहुत अच्छा है, मुझे ये ना बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इस तरह से इसके अंदर कैविटी है और इसको हम करेंगे बंद, और यहाँ से हम इसको ओपन करके यहाँ से पानी डाल देंगे। तो जब पानी डालेंगे तो इसको बंद करके हम रख देंगे फ्रीजर में। ठीक है, इस तरह से हम इसको फ्रीज कर लेंगे, और फिर इसको जब ऐसे उतारेंगे ना, तो यहाँ से ये पूरी एक बर्फ़ बनी होगी। ठीक है, तो उसको हम अपने फेस पे रब करेंगे टिकोर वगैरह करने के लिए। ठीक है, इसको मैं दूंगी 10 out of 10, और ये जो पर्स है इसको मैं दूंगी 7 out of 10। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास आता है ये वाला मग। और ये जो है ना मग, मैंने मुझे ये था कि ये थर्मोस वाला मग होगा, तो ये देखिए ये बिल्कुल अंदर से, मैंने ना इसके अंदर पानी डाल के चेक किया था कि इसके अंदर पानी कितनी देर तक, जाहिर से बात है देखने से पता चल रहा है कि ये प्लास्टिक का है, इसमें कोई भी वो जो थर्मोस वाला जो मटेरियल अंदर लगा होता है, सिल्वर या पता नहीं स्टील का शायद आई थिंक होता है, तो वो तो अंदर लगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद, और ये प्लास्टिक का है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद मैंने ट्राई करने की कोशिश की कि शायद ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी का हो प्लास्टिक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये एकदम बेकार है। मैं प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ नहीं करती, तो ये हम मैं यूजली भी यूज़ नहीं कर सकती, ये एकदम बेकार किया है। ठीक है, अच्छा इनकी ना, इन सब की मैं ओरिजिनल प्राइस यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, तो ओरिजिनल प्राइस से ये बनना है 600 का, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला पार्सल, और इसको मैंने कर लिया है ओपन, और इसके अंदर से आए हैं ये टसल, ये जो रेजर में यूज़ होते हैं ना, ये वो टसल हैं।
मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको बुक मार्क में किस तरह यूज़ करते हैं। इफ़ा वो पकड़ो क्या बैल एक, ये जो बुक मार्क है ना, तो इसके ऊपर ये इस तरह से टसल लगाया, ठीक है, इस तरह से ये यूज़ होता है। इसकी प्राइस भी मैं मेंशन कर दूँगी। और ये मैंने हिसाब किया था, एक टसल बनता है हमारे पास 12 रुपीज़ का, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी डील थी। तो वैसे ये ना लोकल मार्केट से ये वाले टसल बिल्कुल भी नहीं मिलते, मैंने इतनी जगह पता कर लिया था, लेकिन ये लोकल मार्केट से ये वाले टसल नहीं मिलते, तो ऑनलाइन ही मिल रहे थे, तो ये वाले मुझे काफ़ी ना रिजनेबल प्राइस में मिल गए हैं, तो काफ़ी अच्छे भी हैं। कलर आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद है ये वाला पार्सल, इसमें है जी ये वाले सिल्वर फ्लेक्स और ये है गोल्ड फ्लेक्स, ठीक है। और ना ये सारे मेरे नहीं हैं, बल्कि ये वाले दो कलर्स मेरे हैं, ये वाले और ये वाली मेरे फ्रेंड ने मुझसे ऑनलाइन मंगवाया था, ठीक है, वो कहती थी मुझे भी मंगवा देना, तो ये वाले तीन हैं। अब लास्ट पार्सल हमारे पास रह गया, इसको ओपन कर लेते हैं। और असल में ये ना नीचे से मैंने ओपन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि आपके सामने इसको ओपन करूं। ये देखें तो ये है जी मेरा नेक्स्ट लास्ट पार्सल, और ये सारे हैं बॉक्सेस। अब मैं ना एक बॉक्स प्लीज़ अब मैं आपको एक बॉक्स ओपन मतलब क्लोज करके दिखाऊंगी, पैक करके दिखाऊंगी। ये मेरी फ्रेंड की ना बर्थडे आ रही थी, तो फिर मैंने उसके लिए ये मंगवाया था। मैंने उसके लिए किचन बनाया ना, तो किचन मैं इस तरह, तो मुझे समझ नहीं आ रही कैसे उसको गिफ्ट दूँ किचन, तो फिर मुझे आइडिया आया कि ये जो बॉक्सेस मिलते हैं ना ऑनलाइन, तो वो वाला बॉक्स मंगवा के, तो अब मैं इसके अंदर आपको पैक करके भी दिखाऊंगी। वाओ सो क्यूट, मुझे बहुत मज़ा आया, इतना रिलैक्सिंग था। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक न्यू एक्सपीरियंस था, ये बॉक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगा ये वाला, तो ये तो रिकमेंडेड है। और इसको मैं दूंगी 9 out of 10 दूंगी इसको मैं तो, रहा है। अच्छा तो चले अभी इसके अंदर मैं आपको गिफ्ट पैक करके भी दिखाती हूँ, वो बाद में क्लिप ऐड कर लेना।